देखते हैं आज का जीएफजी का पीओटीडी क्या है। फिर से एक ट्री पे प्रॉब्लम है, रिकर्जन इसमें चलेगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पॉपुलेट इन ऑर्डर सक्सेसर फॉर ऑल नोड्स। हमें क्या करना है, गिवन अ बाइनरी ट्री कंप्लीट द फंक्शन टू पॉपुलेट द नेक्स्ट पॉइंटर फॉर ऑल नोड्स। द नेक्स्ट पॉइंटर फॉर एवरी नोड शुड पॉइंट टू द इन ऑर्डर सक्सेसर ऑफ द नोड। मतलब इस इंग्लिश को अगर हटाएं और हिंदी को सामने लाएं तो हमारा जो बनता है वो ये बनता है। चलो इसको हटाते हैं अपने 10, 8, 3, 12, ठीक है। ये अपना यहाँ पर ट्री बनाते हैं जो कि है क्या है 10, 8, 3, 12, ठीक है। हमें इस ट्री का जो इन ऑर्डर्स ट्रेवर्सल है, पहले तो हमें एक्चुअली में देखो इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है, पहले लेफ्ट देन रूट देन राइट, ठीक है। नहीं पता तो देख लो कि पहले लेफ्ट फिर रूट फिर राइट। तो हम यहाँ पर क्या है, रूट पर हैं, तो हम पहले चेक क्या क्या करेंगे, पहले हमें लेफ्ट देखना है, तो अभी रूट पे नहीं देखना, क्या करेंगे लेफ्ट आएंगे। अभी क्या है, रूट है, तो अभी इसका लेफ्ट पॉसिबल है, हाँ तो पॉसिबल है, तो फिर इसका लेफ्ट आएंगे। अभी क्या है, रूट है, तो अब इसका लेफ्ट चेक करेंगे, तो लेफ्ट नहीं है, तो लेफ्ट नहीं है, तो अब क्या, रूट 3, फिर इसके राइट नहीं है, तो अब क्या करेगा, रिटर्न कर जाएगा। तो क्या हुआ, पहले 8 का लेफ्ट आया, मतलब इसके नीचे नहीं, तो 8 का लेफ्ट फिर रूट फिर राइट, तो 8 के लेफ्ट में, ठीक है। अब यहाँ से रिटर्न जाएगा, अब क्या करेगा, रूट को बनाएगा, अब क्या करेगा, राइट को बनाएगा, राइट में कोई है नहीं है, ठीक है। तो ये क्या था, 10 का लेफ्ट, ये पूरा क्या हो गया, 10 का लेफ्ट, 10 का लेफ्ट रूट और राइट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट रूट राइट, ये हमारा हो गया इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है कि जो भी हमारा है उसको हम इस तरीके से ट्रेवर्स करें कि हमारा पहले क्या आएगी, लेफ्ट नोड आएगी, फिर रूट आएगा, और देन उसके बाद हमारा क्या आएगा, राइट नोड। अगर हमारा ये होता 1, 2, 3, तो इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता, लेफ्ट रूट राइट 2, 1, 3, ये इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होता। इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या है कि लेफ्ट, ठीक है, तो लेफ्ट में क्या है 3, 8, रूट में क्या है 10, राइट में क्या है 12, ठीक है। तो ये इसका हमारा क्या है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। अब इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के बाद हमें क्या करना है कि हर एक रूट का हमें क्या करना है, इन ऑर्डर सक्सेसर को पॉइंट करना है। तो 3 का नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 8, 8 का नेक्स्ट 10 होना चाहिए, 10 का नेक्स्ट 12 होना चाहिए। हमें बस इतना काम करना है, कंपाइलर इसका नेक्स्ट क्या कर देगा, -1, इसके नेक्स्ट को क्या कर देगा, -1, खुद से वो सेट कर देगा, वो हमें नहीं करना। तो क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन समझ आया, तो यही इसका क्वेश्चन है, यही इसका आंसर है। बस इसको अब हम इसका ट्रैवर्सल कैसे करेंगे ये हमें देख लेना है, ठीक है। अब हम इसका ट्रैवर्सल कैसे करेंगे ये हमें देखना। देखो यार, जब हम इसको ट्रैवर्स करेंगे तो मुझे इसको स्टोर कराने के लिए कोई जगह चाहिए, ठीक है। जब मैं इसको ट्रैवर्स करूँगा तो मुझे इसको स्टोर कराने के लिए कुछ चाहिए होगा, ठीक है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक जिसमें मेरा कॉम्प्लेक्सिटी लेगा बिग ऑफ एन स्पेस की, और एक जिसमें कांस्टेंट स्पेस में हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसका पहले क्या समझ लेते हैं, इसका नॉर्मल वे समझ लेते हैं किस तरीके से हमें इसको करना है। तो हमें क्या करना है, रूट के लेफ्ट में जाना है और फिर रूट पे और फिर राइट पे। तो पहले कहाँ जाएंगे, लेफ्ट में। तो सिंपल से है, जब इसके लेफ्ट में जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो क्या करना है, रिटर्न। तो सबसे पहला बेस केस क्या हो जाएगा, इफ़ नॉट रूट, तब क्या कर दो, तब तो रिटर्न करना है। नहीं तो क्या करना है, जब तक इसका लेफ्ट पॉसिबल है तब तक लेफ्ट में चले जाओ, कि 10 का लेफ्ट पॉसिबल है। मान लो अगर मैं एक इन ऑर्डर करके एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, इन ऑर्डर करके एक फंक्शन बनाया, उसमें रूट और हमारा आंसर या एरे कोई भी हमने पास किया, मैं क्या करूँगा, पहला केस है कि मैं लेफ्ट में जाऊँ, मतलब सारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल एक एरे में स्टोर करा लूँ, और फिर उस एरे के पॉइंटर्स को इसमें पॉइंट करा दूँ, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, बिना स्पेस के डायरेक्ट लेफ्ट में जाके ऊपर जाते हुए उसके पॉइंटर को उसके साथ अटैच कर दो, ठीक है। तो हम पहले करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, फिर करेंगे बिना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। तो देखो, अगर रूट नहीं है तो रिटर्न, अगर, ठीक है, नहीं तो क्या करो, उसके लेफ्ट में जाओ, तो इन ऑर्डर रूट का लेफ्ट, ठीक है, रूट का लेफ्ट और एरे के साथ उसको पास करा दो। देखो ये क्या करेगा, अगर इसका लेफ्ट है तो इसके लेफ्ट में जाएगा, फिर क्या आएगा, अगर रूट है तो 8 रूट है, हाँ है, इन ऑर्डर रूट का लेफ्ट, रूट के लेफ्ट में जाएगा, 3 पे जाएगा, रूट है, हाँ है, तो इसका क्या जाएगा, इसके लेफ्ट में जाएगा। तो अब देखा गया कि रूट है, यहाँ तो कोई रूट नहीं है, यहाँ तो क्या है, नल है, तो क्या कर जाएगा, रिटर्न कर जाएगा। जब रिटर्न करेगा तो क्या करना है, एरे में उसको पुश कर देना है, किसको, रूट को, और फिर उसके बाद क्या करना है, इन ऑर्डर उसके रूट के
राइट में जाना है, ठीक है। ये तो हो गया जब हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हैं। और लास्ट में क्या, फिर क्या करना है कि इंट एन इज इक्वल्स टू एरे का साइज ले लेना और फिर फॉर लूप चलाना आई इक्वल्स टू जीरो से लेके आई लेस देन एन माइनस वन तक, क्योंकि और फिर क्या कर देना, एरे ऑफ आई का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एरे ऑफ आई प्लस वन, यानी कि थ्री का नेक्स्ट क्या हो जाएगा एट, एट का नेक्स्ट टेन, टेन का नेक्स्ट ट्वेल्व, ठीक है। और फिर एरे ऑफ एन को क्या कर देना, इक्वल्स टू नल, ठीक है। लास्ट का क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू नल, और इस वाले को वो खुद कंपाइलर कनेक्ट कर देगा। लेकिन हमें करना है बिना स्पेस को यूज़ करे, ठीक है, मुझे करना है इसको बिना स्पेस को यूज़ करे, तो मैं इसको कैसे करूँगा, तो चलो देखते हैं। दोबारा से बनाते हैं यहाँ पर अपने ट्री, क्या था 10 8 3 12, ठीक है। और हमारा फंक्शन क्या है, void populate, मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना, ठीक है, कुछ नहीं रिटर्न करना, void populate मेरा फंक्शन है, ठीक है, इसी में मैं काम करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या चीज़ गिवन है, रूट गिवन है, ये चीज़ मुझे क्या गिवन है, रूट गिवन है। तो अब यहाँ पर चेक करूँगा सिंपल सा इसी फंक्शन में, अगर मेरा रूट अगर नहीं है तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो, नहीं तो इस फंक्शन को लिस्ट के लेफ्ट में कॉल करो, मतलब पॉपुलेट कहाँ जाओ, रूट के लेफ्ट में जाओ, ठीक है, कहाँ जाओ, रूट के लेफ्ट में जाओ। तो अब ये क्या हो जाएगा, रूट का लेफ्ट क्या हो जाएगा, एट पे जाएगा। तो अगर इफ़ नॉट रूट तो ये पॉसिबल है नहीं, तो क्या करेगा, पॉपुलेट रूट के लेफ्ट में जाओ, रूट के लेफ्ट में जाएगा थ्री पे, क्या रूट नहीं है, बिल्कुल है, तो क्या करेगा, रूट के लेफ्ट में जाओ, रूट का लेफ्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर। अब क्या करेगा, रूट नहीं है, अगर रूट नहीं है तब क्या करना है, इसके बाहर हम क्या बनाएंगे, एक नोड बना लेंगे, नोड प्री इज इक्वल्स टू नल, ठीक है, इस नोड बना लेंगे। अब अगर ये रूट नहीं है तो क्या कर जाएगा, रिटर्न कर जाएगा, रिटर्न कर जाएगा, और फिर प्री इक्वल्स टू हम क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। अब प्री की वैल्यू भी क्या हो गई, प्री की वैल्यू भी क्या हो गई, थ्री हो गई। अब ये अब क्या करेगा, इसके बाद पॉपुलेट रूट के राइट में जाएगा, ठीक है, अभी क्या करेगा, रूट के राइट में जाएगा। अब देखो ये कैसे काम कर रहा है, अब ये इसके लेफ्ट में आया था, नहीं मिला तो क्या हो गया, रिटर्न हो गया, और प्री की वैल्यू अभी क्या हो गई, थ्री हो गई। प्री को हम क्या हमेशा क्या करेंगे, प्री की वैल्यू को प्री इक्वल्स टू रूट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर देखो हम क्या कह रहे हैं, लेफ्ट में गए, लेफ्ट में गए, लेफ्ट में गए। सबसे पहले मैंने प्री को क्या रखा था, नल रखा था, ठीक है, तो इसके बीच में प्री को नल रखने वाली यहाँ पर कंडीशन मैंने डाली है कि अगर मेरा प्री नॉट इक्वल्स टू नल, अगर मेरा प्री नल नहीं है तो सबसे पहली नोड मुझे यहाँ पर डिफाइन करनी पड़ेगी ना, और अगर मेरा प्री नॉट इक्वल्स टू नल हुआ तो मुझे क्या कर देना है, प्री के नेक्स्ट को क्या कर देना है, रूट कर देना है, प्री के नेक्स्ट को क्या कर देना है, रूट कर देना है। और फिर मैं क्या करूँगा, पॉपुलेट को रूट के राइट में लेके चलेंगे। अब यहाँ पर समझो कि क्या कह रहा हूँ, देखो सबसे पहले, सबसे पहले मेरा प्री क्या है, अभी प्री इज इक्वल्स टू नल, तो यहाँ पे रूट से स्टार्ट करेंगे, तो इसका लेफ्ट है, हाँ तो इसके लेफ्ट में आ गए रूट के लेफ्ट, फिर इसका लेफ्ट है, इसके लेफ्ट में आ गए रूट का लेफ्ट, फिर इसके लेफ्ट में आए, तो यहाँ पर देखा कि रूट नहीं है, इफ़ नॉट रूट तब क्या कर दो, रिटर्न कर दो। जब ये रिटर्न होगा तो ये रूट वाला फंक्शन खत्म हो गया। इफ़ नॉट प्री, तो प्री अगर प्री नहीं है तो प्री नहीं है, ठीक है, अब प्री नॉट इक्वल्स टू नल, तो यहाँ पर तो प्री की वैल्यू नल है, तो अगर प्री की वैल्यू नल है तो मुझे क्या कर देना है, प्री इज इक्वल्स टू रूट कर देना है, और अगर प्री की वैल्यू नल नहीं होती तब क्या कर देना, प्री नेक्स्ट इज इक्वल्स टू रूट। तो अभी प्री की वैल्यू क्या थी, नल थी, तो मैं क्या कर दूंगा, प्री की वैल्यू को क्या कर दूंगा, थ्री कर दूंगा। तो इसके लेफ्ट पार्ट ये कंप्लीट हो गया, अभी इसके राइट पार्ट में जाएगा, रूट के राइट में कुछ नहीं मिला, तो अभी ये क्या कर जाएगा, रिटर्न कर जाएगा, जब ये रिटर्न कर जाएगा, ठीक है, तो एट का लेफ्ट हो गया, अब ये एट के राइट में जाएगा, जब एट के राइट में जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, तो क्या चेक करेगा, प्री का नल, प्री अगर नल नहीं है तो प्री का नेक्स्ट को क्या कर दो, रूट। अब रूट क्या है, एट है, तो थ्री के नेक्स्ट को क्या कर दो, रूट, तो थ्री का नेक्स्ट क्या हो गया, एट हो गया, थ्री का नेक्स्ट क्या हो गया, एट हो गया, और प्री क्या हो गया, रूट हो गया, ये प्री हो गया, तो प्री के नेक्स्ट को क्या कर दिया, एट कर दिया, और प्री को क्या कर दिया, एट, मतलब थ्री क्या था मेरा पहले, प्री, तो इसके नेक्स्ट में मैंने क्या कर दिया, एट। अब एट को मैंने क्या बना दिया, प्री, ठीक है, एट को मैंने क्या बना दिया, प्री नोड, प्रीवियस नोड, ठीक है। अब ये एट पे आया, अब ये एट से क्या जाएगा, वापस टेन पे जाएगा, तो एट का नेक्स्ट यानी कि प्री का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, टेन, और प्री इज इक्वल्स टू रूट, यानी कि ये हो जाएगा मेरा प्री। तो लेफ्ट से रूट पे आ गए, अब रूट से राइट पे जाएंगे, अब ये रूट से राइट पे जाएंगे, जब ये टेन से ट्वेल्व पे जाएगा तो टेन का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ट्वेल्व, और प्री इज इक्वल्स टू ट्वेल्व, ठीक है, बस इतना सा। अभी इसका ना कोई लेफ्ट ना कोई राइट, अब इसका कुछ नहीं, बस थ्री का नेक्स्ट का एट, का नेक्स्ट का टेन, का नेक्स्ट का
12, इतना सा हमारा क्वेश्चन था। अब इसका कोड देख लेते हैं, यही इसका कोड है, ठीक है। देखो ये हमारा यहाँ पर कोड है। अब इसमें क्या करा, प्री हमने ले लिया, प्री को एज अ नल ले लिया, ठीक है। अभी अगर रूट नल नहीं है तो, अभी रूट नल है नहीं है तो क्या करेगा, पॉपुलेट रूट का लेफ्ट, रूट के लेफ्ट में जाएगा 8 पे, ठीक है। फिर से चेक करेगा रूट नल है नहीं तो इसके लेफ्ट में जाएगा, फिर चेक करेगा नल है नहीं तो इसके क्या करेगा, लेफ्ट में जाएगा। लेफ्ट में जाएगा तो क्या चेक करेगा कि रूट तो अब नल आ गई तो क्या कर जाएगा, रिटर्न कर जाएगा, रिटर्न कर जाएगा। अब चेक करेगा अगर प्रीवियस की वैल्यू नल है तो, क्या प्रीवियस की वैल्यू नल है, हाँ। तो इसमें क्या है कि इफ प्री, मतलब अगर प्रीवियस है, अगर नल नहीं है तो मुझे ये परफॉर्म करना है, ठीक है। तो अभी तो नल नहीं, नल है तो ये वाला परफॉर्म नहीं होगा, तो ये परफॉर्म हो जाएगा, प्रीवियस इज इक्वल्स टू रूट, तो प्री की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, ठीक है। इसका लेफ्ट हो गया, अभी क्या करेगा, इसके राइट में जाएगा, तो राइट में भी कुछ नहीं मिला तो वापस आ गया। अब ये क्या कर देगा, रिटर्न कर जाएगा, ठीक है, रिटर्न कर जाएगा। तो अब ये चेक करेगा कि इफ प्रीवियस, अगर प्रीवियस का, अगर मेरा प्रीवियस है तो, प्रीवियस है हाँ है तो क्या कर दो, प्रीवियस के नेक्स्ट को रूट कर दो, तो 3 का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, रूट, यानी कि रूट क्या है, 8 है, ठीक है। और जब ये खत्म हो जाएगा तो प्रीवियस इज इक्वल्स टू रूट, तो रूट क्या थी, 8, तो अभी ये क्या हो गया, प्रीवियस, ठीक है। तो अभी इसके राइट में जाएगा, कुछ नहीं मिला, अभी रिटर्न कर जाएगा, जब रिटर्न कर जाएगा तो फिर 8 का नेक्स्ट 10 हो जाएगा और प्रीवियस मेरा ये हो जाएगा, फिर राइट में आएगा, फिर 10 का नेक्स्ट 12 हो जाएगा और प्री इज इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, ये हमारा कोड खत्म, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, इफ इन केस नहीं समझ आया तो एक बार ड्राई रन करके देखना इसको, अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो चलो इसे साथ वाइंड अप करते हैं, थैंक यू।